थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, कह रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर और खड़ी आप बनी हुई है। मधमेश्वर तो हो चुका है, आप बूढ़ा मधमेश्वर जा रहे हैं। तो ऊपर इस तरह से ये वैली है पूरी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज है दूसरा दिन मधमेश्वर ट्रैक का, और आज हम सबमिट करने वाले हैं मधमेश्वर, प्लस ऊपर जाएंगे 3-4 किलोमीटर जो है आपका बूढ़ा मधमेश्वर, वहां तक भी जाएंगे। पर देखिए खड़ी चढ़ाई, और सुबह के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, और देखिए क्या ही बेहतरीन नज़ारा है। ये देखिए नीचे वो मधुगंगा बह रही है नदी, और कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे। देखिए पूरा जंगलात एरिया है, इसमें आपको बांज के पेड़ दिखेंगे और झरने दिखेंगे जो कि इसमें मिल रहे हैं मधुगंगा में, और ये आगे जाके मंदाकिनी नदी में समा जाती है। और इसकी चढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, थकान हो गई बहुत ज़्यादा, चढ़ गया हूँ मैं, और अभी ऊपर और जाना है, बहुत बुरा हाल है। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, ये पूरी सम होने लगे बारिश होने लगी। मधमेश्वर भगवान के दर्शन हो चुके हैं, और अब हम बूढ़ा मधमेश्वर जा रहे हैं। ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है, और वो ऊपर जाना है, यहाँ कुछ भीड़ है। देखिए जो हमें नीलम जौहर वैली में दिखी थी कुछ ऐसी ही हैं, और हमें वो ऊपर जाना है। भाई साहब चलो चलते हैं आगे, पीछे से आया हूँ, इतना चढ़ चुका हूँ, और अभी इस पहाड़ी के पीछे जाना है। थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, और अभी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, कह रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर है, पर खड़ी चढ़ाई। आप बने रहिए, मधमेश्वर तो हो चुका है, आप बूढ़ा मधमेश्वर जा रहे हैं, तो बने रहिए जेम्स और ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और देखते रहिए जेम्स और ब्लॉग में। जय देवभूमि ट्रैकिंग। इस तरह से ये वैली है पूरी, ये देखिए ये पूरी वैली, और ये है नीचे हमारा इधर मधमेश्वर, और ऊपर जाना है इधर। और यार है भाई थक के, कैसी चढ़ाई? मस्त है, लेकिन खड़ी है, शॉर्ट में आ रहा है इसलिए थोड़ी लग रही है। छोड़ तू बिस्किट खा पहले ली। ये देखिए ये व्यू दिखाया है कुछ बेहतरीन, और अभी ऊपर जाएंगे तो और अच्छे व्यूज़ दिखेंगे हमें। ली बहुत चलने के बाद कुछ
इस तरीके से बेहतरीन व्यू हमारे सामने है, ये देखिए। और ये पहाड़ के ऊपर क्या प्यारा सा ही बादल है। ओ भाई, ग्लेशियर ही ग्लेशियर, मस्त। ये देखिए यार, वीडियो चालू की नहीं। पहुंच गए हैं हम बूढ़ा मधेश्वर। और ये देखिए यहाँ पे भैंस है। और सबसे अच्छी चीज़ दिखाने जाऊँगा आपको, ये देखिए। ओ भाई साहब, ये देखिए तरीके से बूढ़ा मधेश्वर है। और ये श्रृंखलाएँ पर्वतों की ऊंची ऊंची। और ये देखिए, जय मधेश्वर बाबा की। फाइनली हमारा पंच केदार पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम मधुमेश्वर थे नीचे, और मधुमेश्वर से अभी हम बूढ़ा मधुमेश्वर आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेक है। अभी तक पानी थोड़ा कम है, बट पूरा लेक में जो प्रतिबिंब है माउंटेन्स ग्लेशियर्स का, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, पूरा प्रतिबिंब आता है। और जो ये श्रृंखलाएँ हैं अभी देख सकते हैं, पूरी बर्फ की श्रृंखलाएँ हैं। और चौखंबा पीक कहते हैं इनको। तो आपको कभी भी ट्रैवल करना है, जेम्स राउत ब्लॉग्स को देखते रहिए। और राहुल भाई और गुड्डू भाई के साथ आप आ सकते हैं कम बजट में, एकदम किताबी की एक जो कह सकते हैं, कम से कम बजट में कैसे आप माउंटेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, केदारनाथ जाना चाहते हैं, आप हरकीदून जाना चाहते हैं, हर्षिल वैली जाना चाहते हैं, केदारघंटा जाना चाहते हैं, कहीं भी उत्तराखंड और हिमाचल में माउंटेन्स में कहीं भी जाना चाहते हैं, तो हम ट्रैवल करते हैं। हमें हमारे पास आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्लॉग के आपको लिंक में आपको हमारी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, और हमारे साथ बने रहिए। फाइनली हम जा रहे हैं मधुमेश्वर से। और ये यहाँ पे वंदे समिति है, और ये ऐसे है, और ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब यहाँ से जा रहे हैं मधुमेश्वर, और बूढ़ा मधुमेश्वर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, निकल चुके हैं। अब जाएंगे सीधा रासी विलेज, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी तो टाइम हो रहा है 12:30 के करीब हो रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पर। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, देखिए दो नदियों का संगम है इधर। ये देखिए एक नदी है ऊपर से आ रही है इधर, बहुत ही सुंदर संगम। और यहाँ ऊपर से अब हम इधर चढ़ाई को होते हुए ऊपर जाएंगे, उधर वहाँ जाएंगे। पहुंचने वाले हैं यहाँ से 2 किलोमीटर समथिंग है आपका। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। ये देखिए ऊपर से गिर रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकंड। हाँ ये देखिए ये ऊपर से गिर रहा है, और ये देखिए बेहतरीन वाटरफॉल।
आपका नाम क्या है भैया? विनोद बिस्ट जी हैं, इन्होंने हमारा शानदार स्वागत कराया है यहाँ पे अगरतोली में। अगरतोली में ना, तो ये आप कभी भी आते हैं तो अगरतोली में यहाँ पे इनके बिस्ट जी के यहाँ पे जरूर आइए, ठीक है। और इन पे आपको नंबर ऑफ वैरायटी मिलेगी खाने में, चाहे आपको ऑमलेट वगैरह खाना है, चाहे आपको सब्जी वगैरह करना है, सारी चीज़ें। ये देखिए चार्जिंग व्यवस्था भी है और बहुत सारी, देखिए आपको यहाँ पे स्नैक्स वगैरह चाहिए और वो भी एकदम किफ़ायती दाम पे। तो आप चल रहे हैं रांसी विले से अलविदा कहते हैं और आप जा रहे हैं ऊखी मठ की ओर, और ऊखी मठ से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। तो अब बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल।